Yes, class. Now, correct. If a tangent, question number 3 is saying that PA and PB from a point P to a circle with the center O. एक जो होता है यहां देखिए सेंटर O है और कहता है टू टेंजेंट इफ टेंजेंट PA एंड PB तो PA एंड PB दिस इज द क्लास टू टेंजेंट इट्स 80 डिग्री ये कितना है 80 डिग्री 80 degrees, what is the find angle POA equal to what? And POA, देखो, ये यहां से हमने करा यहां और ये तो हमारा रेडियस है क्लास और मांग रहा है हमें क्या चीज ये एंगल POA ये एंगल फाइंड आउट करनी है ना तो क्या होगा क्लास बताना थोड़ा एंगल APBD प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना होगा है ना वी नो दैट जैसा कि हमने सप्लीमेंट्री प्रूफ करा है ठीक है ना क्लास तो ये हो गया 180 डिग्री और नहीं सप्लीमेंट्री नहीं कर देखो तो यहां से 90 डिग्री और यहां 90 डिग्री लेकर के करो काम तो उतना ही करना पड़ेगा बट आंसर भी वही आएगा ये भी फिक्स है क्लियर है ना क्लास सो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री एंड विच एंगल दिस एंगल इज गिवन 80 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री है ना 100 डिग्री प्लस नाउ इट विल 100 डिग्री अब बताओ ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों को कॉम्बिनेट करना होगा इन ट्रायंगल तभी तो मेरा निकलेगा ये है ना सो क्लास वी विल कॉन्ग्रुएंट APO एंड BPO ट्रायंगल को दोनों को करो तो देखो PA इक्वल टू PB इक्वल होता है ना एक्सटीरियर पॉइंट से डाला गया टेंजेंट इक्वल होते हैं सो दिस लाइन विल इक्वल PO इक्वल टू PO कॉमन है ना क्या होगा कॉमन एंड एंगल OBP इक्वल टू एंगल PAO 90 डिग्री तो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO क्लियर है क्लास आर यू गेटिंग माय पॉइंट हैव यू एनी प्रॉब्लम नो वेरी गुड चलो प्रॉब्लम है तो अभी बता दो तो क्लास वी कैन राइट एंगल AOP इक्वल टू एंगल POB बाय CP इससे क्या होंगे इक्वल हो गए और इक्वल हो गए ना क्लास तो एंगल हमसे क्या मांग रहा था POA इक्वल टू 100 अपॉन 2 कितने डिग्री आ गया क्लास 50 डिग्री समझ में आया या नहीं आया है ना लिसन क्लास नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव क्योंकि 4 वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट वीडियो ठीक है ना सो नाउ दैट इज द 5 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्लास प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रूव दैट द परपेंडिकुलर
perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. मतलब समझ में आया या नहीं आया? देखो, कोई भी एक सर्कल है, अगर कोई भी टेंजेंट से टेंजेंट है ना, टेंजेंट से पास करने वाली लाइन जो ये होगी वो 90 डिग्री ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको ओ मान लीजिए, इसको ए और इसको बी मान लेता हूं और ये ई हो गया अपना। दिस will be proved by contradiction method. Contradiction method से हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये 90 डिग्री पे है या नहीं, ठीक है ना। तो क्लास हम लोग ये देखो, let O be a center of a circle, सर्कल है ना, एक सर्कल का सेंटर O है एंड P इज द पॉइंट ऑन टेंजेंट AB है ना, क्या हो रहा AB टेंजेंट का P एक पॉइंट है, ठीक है ना क्लास। तो दिस विल बी प्रूव्ड By the contradiction method. Contradiction method क्या होता है कि पहले हम लोग ऐसा सपोज करके चलेंगे कि ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता, मतलब कि ये 90 डिग्री नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट उसके बाद में प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में परपेंडिकुलर ओपी परपेंडिकुलर ए बी पासेस थ्रू द सेंटर है ना, किससे पास करेगा, सेंटर से, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है तो नहीं, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं क्लास, कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन perpendicular lines on tangent। चलो एक लाइन जो होता है ये सेंटर से पास ना कर करके, ये जो होता है कहीं और से पास करने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये O डैश मान लो कि O डैश से पास कर रहा है, ठीक है ना, O डैश से पास कर रही है। तो ये क्या है क्लास, ये 90 डिग्री है ना। तो वी नो दैट क्या चीज, O डैश P is perpendicular on AB, therefore O dash P B equal to 90 degree है ना, 90 degree first equation। ये क्या है, O dash P B equal to 90 degree है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ये तो सेंटर से पास कर रहा है ना, और ये भी दिया हुआ कि परपेंडिकुलर है, एंगल
ओपी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। क्या गिवन है कि परपेंडिकुलर लाइन जो डालते हैं वो सेंटर से पास करती है, ये तो हमें प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो सेंटर से पास करती है, है ना। मैंने पहले करा कि इट डजंट पास थ्रू द सेंटर, है ना, सेंटर से पास, ये लाइन जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है वो सेंटर से पास नहीं करती, इसीलिए तो हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करा लाइन परपेंडिकुलर लाइन ऑन टेंजेंट ए बी, है ना, विच क्या करेगा, विच पासेस थ्रू सेंटर, ओ सेंटर लिखता हूं, है ना, जो कि क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रही है, तो ये सेंटर से पास कर रही है और ये भी 90 डिग्री है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये भी 90 डिग्री है तो ये सेंटर से पास करेगा और ये भी 90 डिग्री है तो ये भी सेंटर से पास कर रहा है, सॉरी ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, है ना। नाउ अब ये सोचो कि एक ही पॉइंट पे एक पॉइंट टेंजेंट क्या करती है, सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है, सर्कल क्या करती है एक पॉइंट से, अब एक ही रास्ते से तुम भी जा रहे हो, एक ही रास्ते से मैं भी जा रहा हूं, तो ऐसा होगा कि हम दोनों नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, भले तुम ऐसे मुंह घुमा करके भी चल दो कि गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा सर को, ठीक है ना। बट जो होता है क्लास, हम लोग उस पॉइंट पे तो मिलेंगे कहीं ना कहीं, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही करेंगे, जब दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं तो, है ना, देयर आफ्टर तो ये भी तो होगा, यानी कि सेंटर इसके रास्ते में भी मिलेगा और सेंटर इसके रास्ते में तो सेंटर मिल ही रहे और इसके रास्ते में सेंटर ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, है ना। सो देयरफॉर यू कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, क्या ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, वो था इक्वल, क्या है, दोनों जो होता है इक्वल एंगल है, तो लिखेंगे कि आर आर सपोजिशन इज कंट्राडिक्ट, है ना, कंट्राडिक्ट परपेंडिकुलर लाइन पास क्लास एक्सरसाइज जो है 6.2 है ना, सॉरी 10.2, और ये क्वेश्चन नंबर 6 फिर से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, एक जो होता है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम, कहता है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर, देखो सेंटर से कितना है 5 cm, ये आपका हो गया कोई भी पॉइंट तो दिया हुआ है, मेंशन नहीं है पी, है ना, यहां से ये 5 cm एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 cm, फाइंड द रेडियस, ये जो होता है ना ये आपका है 4 cm, तो रेडियस निकालने के लिए कह रहा था ये आप, मैंने क्या करा था इसके जगह ये लिख दिया था केवल, ठीक है ना, बाकी जो होता है एज इट इज होगा, है ना, टी और ये क्यू हो गया। सो क्लास वी विल फाइंड, देखो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन ओपी इक्वल टू 5 cm एंड पी क्यू इक्वल टू
4 cm. तो रेडियस क्या है? OQ है. OQ इक्वल टू व्हाट? ये हमें फाइंड करना है. तो OQ इक्वल टू क्या है? OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? देखो OQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर. तो OP कितना है क्लास? दैट इज द 5 का स्क्वायर और माइनस OQ कितना है? 4 का स्क्वायर. ठीक है ना? नाउ दिस इज द 25 माइनस 16. आंसर तो सेम ही आएगा. इट्स अ 9 एंड OQ इक्वल टू रूट अंडर 9 इक्वल टू 3 सीएम. है ना? ये हमारा रेडियस आ गया. तो यही जो होता है हमें प्रूव करना था, रेडियस निकालना था. सर्कल बनाते हैं और इसमें, ठीक है ना, ऐसे ऐसा कोई सर्कल है क्लास, और इट इज अ गिवन दैट डी सी ए बी, और उसके बाद में यहां पे है एस, यहां पे है पी, और यहां पे है आर, और यहां पे है क्यू. कहता है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. तो आपको प्रूव करना है टू प्रूव ए बी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी. ठीक है ना? ए डी प्लस बी सी, यही हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है? गिवन में आपको पता ही क्या है कि एक सर्कल स्क्राइब सर्कल है ना? सो यू विल राइट इन गिवन. गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में क्या लिखोगे? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल है ना? एंड क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब सर्कल. इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ है. ठीक है ना क्लास? देखो यहां पे जो है क्लास, आप वी नो दैट बाय थ्योरम, है ना, बाय थ्योरम. क्या जानते हो थ्योरम से? क्या जानते हो थ्योरम से? एपी इक्वल टू एस, एपी इक्वल टू एस. ठीक है ना? और उसके बाद डीआर इक्वल टू डीएस, है ना, और आरसी इक्वल टू सी क्यू, है ना, एंड बीपी इक्वल टू क्यू बी या पी क्यू, जो भी कहो, है ना. अब हमें देखो क्या चाहिए? ए बी चाहिए क्लास, है ना. तो ए बी के लिए क्या चाहिए? एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, है ना. उसके बाद क्या चाहिए? सी डी चाहिए. तो ये हो गया ना. उसके बाद में क्या चाहिए क्लास? सी डी चाहिए. तो सी डी के लिए क्या चाहिए? सी डी के लिए डी आर प्लस आर सी चाहिए, है ना. तो फटाफट कर दे, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4. लेट अस स्टार्ट. एड
वन टू थ्री एंड फोर सबको ऐड कर दो, एलएचएस साइड एलएचएस आरएचएस साइड आरएचएस, तो एपी प्लस ऐसा लिख देता हूं मैं पहले से पीबी है ना प्लस डीआर प्लस आरसी और इधर भी इधर कुछ क्या चाहिए आरसी एडी चाहिए ना बेटा तो एडी क्या होगा एडी के लिए देखो और क्या चाहिए एडी बीएस और डीएस और एसए है ना तो देखो डीएस प्लस ये हो गया एएस प्लस डीएस है ना और सीक्यू प्लस ये तो से हो गया सीक्यू सीक्यू प्लस क्यूवी है ना सीक्यू प्लस क्यूवी अब बताओ ये दोनों क्या हो गया ये दोनों क्या हो गया ये दोनों क्या हो गया और ये दोनों क्या हो गया यहां से एपी प्लस पीवी क्या हो गया एपी प्लस पीवी इक्वल टू एडी प्लस बीसी यही तो हो गया और यही तो हमें प्रूफ करना था समझ में आया तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ओके सो यू हैव अंडरस्टैंड इट एंड अगेन ओनली हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट दैट इज द 1, 9, 10, 11, 12, 13 दो दो चार पांच क्वेश्चंस और बचे हैं क्लास है ना सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट पीरियड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास नाउ क्वेश्चंस विल बी 9 ये तो हो गया क्वेश्चंस कौन सा है 9 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन नाइन कहता है इन द फिगर 10.13 XY एक फिगर दिया हुआ है क्लास ये ठीक है ना और इसमें दो टेंजेंट है पैरेलल क्या है पैरेलल दैट इज द X और ये क्या है Y एंड Y डैश एंड X डैश तो गिवन में है क्लास विल राइट हियर गिवन गिवन में क्या है XY पैरेलल टू X डैश y dash है ना x dash y dash are two parallel tangent to a circle with the center O है ना ये center O यहां पे कोई भी एक center है that is the O class clear है और यहां पे एक काम और कर रहा है कि एक tangent ऐसे add है ठीक है ना और एक यहां से और एक यहां यह है पी क्यू बी दिस वन सी ओ अब देखो इसमें जो कह रहा है क्लास कहता है कि आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल्स विद द सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी with of the point of contact is C intersecting XY at A XY को कहां पे intersect कर रहा है यहां पे A पे ठीक है ना क्लास A and X dash Y dash at B prove that आपको क्या prove करना है क्लास two proof में आपको करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री ए ओ बी यानी कि आपके पास ये जो एंगल होना चाहिए वो 90 होनी चाहिए ठीक है ना
ये हमें प्रूव करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन क्लास? नाउ व्हाट इट विल डू, जस्ट डू अ कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, है ना, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा लिख दीजिएगा ज्वाइन, ज्वाइन ओ टू सी, ओ से सी को क्या कर रहा हमने ज्वाइन कर दिया। अब ओ से सी को ज्वाइन कर दिया क्लास, तो आप देख लो कि दो ट्रायंगल बन रहा है ना। देखो हमें क्या करना होगा, इस एंगल को, इसको हम लोग लिखते हैं एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री और एंगल फोर। क्लियर है? ये वन टू थ्री फोर, ये फोर एंगल है। और हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? प्लीज डोंट ट्राई, है ना। अब यहां पे हो गया, अब ये एंगल वन को एंगल टू के इक्वल कर दूं, एंगल फोर को एंगल थ्री के इक्वल कर दूं, तो हमारा काम हो सकता है, है ना। आई एम नॉट कंफर्म बट मे बी हो सकता है। तो चलो हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं, इन दोनों को कॉम्परेट कर दूं, ये ट्रायंगल, तो ये और ये एंगल भी हो जाएगा। तो क्लास रिपीट है, इन ट्रायंगल ए ए टी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, है ना, ए सी ओ। अब देखो यहां पे इन दोनों ट्राइंगल में ए पी इक्वल टू ए सी है क्या, ए पी ये जो लाइन है इसके इक्वल हो जाएंगे? पूछो क्यों, क्यों होगा बताओ, ये दोनों टेंजेंट हो गया ना बेटा, एक्सटीरियर पॉइंट से डाला हुआ टेंजेंट हो गया दोनों, तो एक्सटीरियर एक ही पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से डाला हुआ टेंजेंट क्या होता है, दैट इज द इक्वल। सो वी कैन राइट, है ना, एसी एपी इक्वल टू एसी। दूसरी बात बताओ, ओपी ओपी इक्वल टू ओसी, दैट इज द रेडियस, रेडियस है ना। और उसके बाद में और एक बात बताओ, ओए इक्वल टू ओए कॉमन है इन बोथ ट्राइंगल, ये बात। तो बताओ ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी ओ, तो बाय सीपीसीपी से क्या होगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू बाय बाय सीपी सीपी से कर दिया। अब यही काम इसके साथ करेंगे, देखो इसके साथ इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, है ना, ओ सी बी। देखो इसमें क्या हो गया क्लास, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, ये और ये तो रेडियस ही हुआ, ऐसे क्यों आश्चर्य से देख रहा है, ये ओ क्यू एंड ओ सी आर रेडियस, दैट इज द आर। और इसमें बताओ आप लोग, ये और ये साइड क्या हो गया, यानी क्यू बी इक्वल टू सी बी, है ना, या बी सी। और क्या हो गया क्लास, ओ ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो गया कॉमन, है ना। अब ये कॉमन हो गया क्लास, देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ सी बी, वी कैन राइट और नॉट, ऑब्वियसली वी कैन राइट, बाय किससे क्लास, ट्रिपल एफ। तो बताओ एंगल फोर इक्वल टू एंगल थ्री हो गया क्या, बाय सीपी सीपी से। अब आप ये मुझे बताओ,
एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू क्या होगा, ये लाइन एंगल हो गया ना, दैट्स राइट। अब ये देखो एंगल वन एंगल टू के इक्वल है तो इसके एंगल वन की जगह एंगल टू लिख दूं, तो एंगल टू हो गया प्लस एंगल टू हो गया, और एंगल थ्री एंगल फोर की जगह क्या लिख दूं, एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया, टू एंगल टू और टू एंगल थ्री इक्वल टू 180। इसमें कंफ्यूज ना करना, ये टू टू क्यों लिख दिया सर, ये एंगल है, ये टू दोनों को ऐड करके आया, ठीक है ना, जैसे देखें। अब ये यहां पे क्या हो गया, टू टू बाहर, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर ना। और क्लास वी कैन राइट हियर एंगल टू प्लस एंगल थ्री दैट इज द 180 डिग्री अपॉन टू, देयरफॉर क्लास वी कैन राइट हियर एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज प्रूव, है ना, प्रूव हो गए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट क्लास, कहता है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब सर्कल्स ऑफ अ रेडियस 4 सीएम। एक जो होता है, हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये ठीक है ना, ए बी सी सॉरी सॉरी ये बी है और ये बी है, ये सी है और ये सेंटर है क्लास, ये आपका क्या है ओ है, तो और ये यहां पे दिया हुआ है डी, तो ओ डी दिया हुआ है क्लास, कह रहा है ना कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सीएम सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट डी, है ना, तो रेडियस किया हुआ है तो रेडियस ओडी क्या हो गया, ओडी इक्वल टू 4 सीएम, ये गिवन है, फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन, तो गिवन आपका 4 सीएम दिया हुआ है और ये मेजरमेंट दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, सीडी इक्वल टू ये सीडी है 6 सीएम, ये कितना है 6 सीएम और दिस वन इज 8 सीएम, क्लियर है, तो सीडी इक्वल टू 6 सीएम और एडी सॉरी बीडी बीडी इक्वल टू 8 सीएम गिवन है। तो क्लास फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, आपको क्या निकालना है ए बी और ए सी, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए बी इक्वल टू ए बी एंड ए सी, आपको ये साइड पूरी निकालनी है और ये साइड पूरी निकालनी है, ठीक है ना क्लास। सो देखो वी नो दैट, है ना, क्या क्या आप जान रहे हो बताओ, इसको आप नाम दे दो, डी हो गया ना ई और ये एफ, ठीक है ना, तो यू विल नो अबाउट दिस सी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी ई, दोनों इक्वल होगा ना, एक्सटीरियर पॉइंट से डाला हुआ टेंजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा क्लास, ये भी 6 सीएम, तो ये भी कितना हो गया 6 सीएम और ये हो गया डी बी, है ना, बी बी इक्वल टू बी एफ, ये भी कितना होगा 8 सीएम हो जाएगा, नहीं क्लास ये भी कितना हो जाएगा
एलसीएम हो जाएगा। अब बताओ एक बात और, हमें ये नहीं मालूम है एई और एएफ नहीं मालूम। सो क्लास मोड वी विल डू एक्स, ये एक्स होगा है ना, तो लेट कर लेंगे, लेट एई एई इक्वल टू एक्स, लेट एसी इक्वल टू आल्सो एक्स है ना, एई इक्वल टू एक्स है तो एसी भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, सॉरी ए एसी मैं बोल रहा हूं, दैट इज द एएफ है ना एएफ, ये भी एक्स हो गया क्लास, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताऊ, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं सी एस, इसको ज्वाइन कर देते, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है इसकी 6 + 8 है ना, कितना हो गया 14, और हाइट कितनी है, हाइट जो ये 4 cm है ये हो जाएगा, तो 4 cm ये हो गया क्लास, 2 × 4 ये कितना हो गया 28 cm². क्लियर है। अब ये जो होता है 28 cm² हो गया, तो क्लास नाउ नेक्स्ट एक ट्राइंगल और, इसको भी हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं है ना, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी जोड़ देता हूं, तो देखो ओई क्या हो गया इसमें हाइट हो गया, तो क्लास अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या होगा 6 + x, 6 + x इंटू 4, तो ये कितना हो गया 2 × 2 = 8, तो ये कितना हो गया क्लास 2 6 + x ऐसा हो गया। इतना ही हम अभी लिख करके छोड़ देता हूं, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व भी कर दूं, कर देता हूं 12 + 2x यही लिख सकते हैं, इतना सीएम स्क्वायर, क्लियर है। और एक ट्राइंगल और बन रहा है क्लास, विल अगेन राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया ए ओ बी, ए ओ बी ये भी क्या हो गया बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका हाइट क्या होगा क्लास ये है ना ओ एफ, ओ एफ इज द हाइट, सो ओ एफ कितना है 4, दैट इज द रेडियस पार्ट ऑफ रेडियस, एंड ये कितना हो जाएगा 8 + x, ठीक है ना, और ये 2 × 2 = 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 × 8 + x, और ये क्या हो गया 16 + 2x, इतना cm स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताओ ये एरिया किसका हो गया ट्राइंगल, पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल की ए बी सी है ना, तो टोटल एरिया ऑफ है ना, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल का कितना हो गया क्लास बताना थोड़ा इधर से, ये हो गया 28 + 12 + 2x और फिर 16 + 2x, ठीक है ना क्लास। अब देखो यहां 30 + 10 = 40 + 10 = 50 है ना, 56 + 4x यही होगा ना, अब देखो 56 + x 4x आप लोग भी ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो अब दूसरी, अब एक दूसरा तरीका, एक तो एरिया ऐसे निकाला था इसका एरिया ऐसे आ गया, एक तरीका और है हमारे पास एरिया निकालने का, क्या है हेरोन्स फार्मूला,
ठीक है ना, क्या है हेरोंस फार्मूला। अब देखो ऐसे करने पे तो आया नहीं, ये तो x के वेरिएबल में ही आ गया क्लास। देन हाउ वी कैन फाइंड, वी मस्ट वी नीड टू फाइंड द x, x निकालना बहुत जरूरी है। तो ऐसे करने पे तो एरिया ये आ गया। अब एक एरिया और निकालेंगे और उन दोनों एरिया को इक्वेट कर दूंगा मैं, इसके इक्वल कर दूंगा ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो निकालने के लिए हेरोंस फार्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए देखो पहले कितना हो गया, 6+8 ये ऐसे, BC+AB+AC/2 है ना। अब आप बताओ मुझे BC कितना है, 8 से 14 है, और AB कितना है क्लास, 8+X है, और AC कितना है, 6+X है, अपॉन 2 है, 8 22 28+2X/2 और 2 कॉमन आ गया तो 14+X/2 कैंसिल हो गया, S निकल गया। अब क्या हम लोग लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर S × S − A × S − B × S − C। याद है ना हेरोंस फार्मूला सबको। अब ये क्या होगा बेटा, ये देखो यहां पे S कितना है हमारे पास, 14+X और ये हो गया S माइनस, तो 14 प्लस x और एक ये आप कोई भी एक साइड ले लो है ना, ये वाली साइड माइनस 14 ठीक है ना, ये पहली साइड आ गई। दूसरी साइड S − B, तो S − B तो S कितना है 14+x और माइनस b में क्या हो गया, जल्दी बताओ कितना है, 8+x ठीक है। और उसके बाद में फिर जो होता है फिर 14 प्लस x और माइनस कितना हो जाएगा, 6+x। देख लो मैंने कर्ली ब्रैकेट का इसलिए यूज करा ना क्लास, ताकि आपको पता चले कि मैंने जो लिखा है वो साइड कौन कौन सा है, ठीक है ना, सेपरेट कर कर। चलो अब मैं सबको एक साथ लिखने जा रहा हूं, 14+x ठीक है ना क्लास, ये कितना हो जाएगा, 14 कैंसिल इनटू x हो गया है ना। अब यहां पे कितना हो गया, 14+x − 8 − x ठीक है ना, और यहां पे कितना हो गया, 14+x − 6 − x ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया पूरा। नाउ हमारे पास बचा क्या, 14+x × x और ये 14 में से ऐड गया 6 और ये 8 ठीक है ना, इतना आया। तो 8 6 कितना होगा, 48 ना, कोई बोल रहा है कुछ कुछ बोल रहा है, 48x × 14+x ये आ गया ठीक है ना क्लास। और इसमें थोड़ा सा हमें और भी काम करना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट यू विल पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। हमारे पास क्या आ गया, दो एरिया है ना, और दोनों एरिया किसका है, एबीसी ट्रायंगल का, बोथ एरिया। और एरिया ट्रायंगल फिगर जब एक है क्लास, व्हेनेवर फिगर इज द सेम देन एरिया विल बी सेम ना। अगर एक ही फिगर का हम एरिया किसी भी तरीके से निकालें
एरिया तो इक्वल ही आना, देयरफॉर क्लास वी कैन राइट 56 प्लस 4x इक्वल टू, ये क्या आ गया, रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ये ठीक है ना क्लास। एंड आफ्टर दैट अस्क्वायरिंग बोथ साइड, अस्क्वायरिंग बोथ साइड, देन व्हाट वी विल गेट 56 प्लस 4x होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 48x 14 प्लस एक्स है ना होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया क्लास, देखो 56 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4x का, बोलो ना आप लोग, प्लस कितना हो गया 2 इंटू 56 इंटू 4x होगा ना, कैसे थोड़ा पता है ना, कैसे, हाँ वेरी गुड तान्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्लास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, यू विल नो अबाउट दिस है ना। 48x और 40 रूट हट गया ना, स्क्वायर करने पर क्या होता है, टू हट जाता है, सबको पता है, मैंने बता रखा है। एंड आफ्टर दैट स्क्वायर करो 6 और 5 30 60 कितना आ रहा है, देखो कर कर के कैलकुलेशन, 16x स्क्वायर प्लस 8 8 48 ये आ रहा है प्लस 448x इक्वल टू कितना हो गया, ये 48 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 672x प्लस 48x स्क्वायर, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं तो ऐसे ही करा, तुम लोग होता है कर करके चेक कर। अब ये देखो क्लास क्या हो गया, इन सबको हम लोग उधर लेके जा रहे हैं, यानी 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 672x माइनस 448x 448x प्लस कितना हो जाए माइनस 3136, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया 2x स्क्वायर और ये कितना हो गया प्लस, जल्दी बोलो 4 और ये 2 और ये हो गया 2x माइनस 3136 इक्वल टू 0 है ना। इसमें देखो तो कितना कॉमन आ रहा है, 8 इक्वल टू 0 ये हो गया। अब ये जो होता है
सारा मैंने 32 कॉमन लिया और इधर भेज दिया जीरो की तरफ, तो जीरो अपॉन 32 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 98 को तोड़ दीजिए 14 × 7 और 7 × 2 × 7 तो बताओ 14 में x स्क्वायर प्लस 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 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0 ठीक है ना। और ये कितना हो गया x कॉमन तो x प्लस 14 और माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। थोड़ा सा क्लास इधर रफ मैं कर रहा हूं। अब ये कितना हो गया x माइनस 7 और x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो आइदर क्या होगा आइदर और कर लेते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 7 और में क्या होगा x प्लस 14 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 14। देखो बेटा माइनस 14 तो साइड का लेंथ का भी माइनस में जाएगा नहीं, तो माइनस में जाएगा नहीं तो ये वैलिड होगा नहीं, इसलिए ये कट गया। और हमारा जो होता है x इक्वल टू 7 है, x इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, तो x इक्वल टू जैसे ही 7 आ गया तो ये कितना हो गया x इक्वल टू 7 और ये भी 7 है ना, ये भी 7 और ये भी 7 हो गया। तो साइड AC हमारा क्या हो गया प्लस AC इक्वल टू 6 प्लस 7 13 और AF इक्वल टू सॉरी AB इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 cm प्लस है ना दिस वन, यानी कि ये 13 cm और ये 15 cm हो गया है ना। आप लोग लिख लेना आराम से तब तक ये है ना सबको समझ में आया होगा, फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह गया वीडियो को जा करके देख लेना है ना, थोड़ा कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो फिर आकर के आप पूछ लेना ठीक है ना। ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे।